ईसाई जी जो है वह मुस्लिम है, और हमारे मुस्लिम उनके मुस्लिम होने के कारण हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी स्थापना या उनका रहना जो विग्रह रहना उचित नहीं। साईं की पूजा की क्या आवश्यकता है, और जब वो स्वयं मानते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो हमारे देवी देवता के बीच में आप मस्जिद में हमको पूजने दो। हम उनके साईं जी के विरोध में नहीं है, उनका एक अलग से मंदिर होना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी कोई जरूरत नहीं है। कोई विवाद नहीं है, सब लोग आपस में मिलके स्वेच्छा से साईं भक्त भी हटवा रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं साईं भक्त कि ये गलत हो रहा था। नगरी काशी में साईं के नाम पर अब संग्राम छिड़ गया है। सनातन धर्म के एक बड़े धड़े ने साईं पूजा का विरोध करते हुए वाराणसी के मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, और अभी तक कुल 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाई जा चुकी हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो वाराणसी के प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर से हुई है, और इस वक्त हम इसी मंदिर में मौजूद है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पे ये शख्स मत्था टेक रहे हैं, जहां पर ये हाथ जोड़कर खड़े हैं, यहीं पर कल तक साईं की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। टूटे फूटे जो पत्थर हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां से साईं की जो प्रतिमा है वो हटा दी गई है, और न सिर्फ यहां से बल्कि जो 14 अन्य मंदिर हैं वहां से भी जो साईं की प्रतिमा है उसे हटा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रतिमा के साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहां पर बाकायदे महादेव यानी शिवलिंग है स्थापित है, और इसके साथ ही यहां पर जो गणेश भगवान के विग्रह हैं वो यहां पर रखे गए हैं, और इसी बात का विरोध जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो मंदिर हैं, जो आस्था के स्थल हैं, वहां पर किसी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं या फिर मुस्लिम फकीर हैं जो भी हैं उनकी जो मूर्ति है जो प्रतिमा है वो स्थापित नहीं हो सकती है, और इससे कहीं ना कहीं जो उनकी भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। और इसी के मद्देनजर अब वाराणसी में ये बकायदे एक मुहिम छेड़ी गई है कि जो आस्था के केंद्र हैं वहां से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। हालांकि इस मिशन को लेकर जो सनातन समाज के जो संत हैं वो दो धड़े में बटे हुए हैं। कुछ संतों का ये कहना है कि सनातन को बांटने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से हुई थी, बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इसको धार दिया था, और अब वाराणसी में उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सनातनी रक्षक सेना है वो आगे आई है और उसकी ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस बात को लेकर अब आपत्ति जाहिर करनी शुरू की है कि किसकी परमिशन से मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, क्योंकि पूरे देश में साईं के करोड़ों जो भक्त हैं वो उनके हैं, बकायदे जो लोग होते हैं वो साईं की पूजा करते हैं, और इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो हिंदुओं की है। काशी के मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसकी शुरुआत हुई है बड़ा गणेश मंदिर से। मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी, आपके मंदिर में साईं भगवान की एक प्रतिमा थी जिसको हटा दिया गया, सबसे पहले मैं उसके पीछे का तर्क जानूंगा कि क्यों हटाया गया, किसको आपत्ति थी, क्या आपत्ति है? ये देखिए, यहाँ स्थापित इनकी स्थापना जो है 2013 में हुई थी, और जिसके बाद तो मतलब लोगों का दर्शन पूजन हो रहा था। बीच में हमारे शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी जो है एक मुद्दा उठाया, जिसको जो है उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि हमारे जो है साईं जी जो है वह मुस्लिम है, और हमारे मुस्लिम उनके मुस्लिम होने के कारण हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी स्थापना या उनका रहना जो विग्रह रहना उचित नहीं है। तो इसके क्या प्रमाण थे कि नहीं जो साईं हैं वो मुस्लिम हैं, या उसके पीछे कोई तर्क दिया जा रहा है? जो जिन्होंने हटाया है वो कौन से लोग थे? यह एक सनातन रक्षक दल के अजय शर्मा जी हैं, वह उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के निर्देश पर जो है वह यह एक अभियान चला रहे हैं कि अपने सनातन धर्म के मंदिर से साईं की मूर्ति को हटाया जाए। लेकिन इस कदम से साईं के जो करोड़ों जो उनके जो भक्त हैं शायद उनकी आस्था को ठेस पहुंचे? नहीं, उनके भक्त के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और वह हम उनके साईं जी के विरोध में नहीं है, उनका एक अलग से मंदिर होना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई होगी या फिर उनकी प्रतिमाएं जब लगाई गई होंगी तो क्या इस इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया था? नहीं, उस समय इस प्रकार का कोई भी कोई उल्लेख नहीं था। एक लहर चल रही थी, जैसे एक पीक का लहर है कि नहीं, मतलब हर जगह लोगों ने अपनी स्थापना गली चौराहे छोटे बड़े मंदिर पर, उनके भी अनुयायी बहुत से थे, उसी अनुयायियों में से एक अनुयायी ने जो है यहाँ उनकी स्थापना कराई। लेकिन जब उनके जो अनुयायी यहाँ पर आएंगे, भक्त आएंगे यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए और साईं की प्रतिमा जब नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी आस्था है उसको ठेस पहुंचेगी, तो उनको किस तरीके से आप समझाएंगे? उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए वह हमारे सनातन धर्म के व्यवस्था को जो है वह कबूल करें, और अपना जो है हम लोगों से यही है कि जहां अलग से साईं मंदिर हो वहां जाकर के वो अपना दर्शन पूजे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सनातन रक्षक सेवा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा जी। अजय जी, बड़ा गणेश मंदिर से आज हमने देखा कि साईं की प्रतिमा हटा दी गई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या तर्क है? हमारे जो मंदिर है, जब हमारे 33 कोटि देवी देवता है तो हमें साईं की पूजा की क्या आवश्यकता है? और जब वो स्वयं मानते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो हमारे देवी देवता के बीच में आप मस्जिद में हमको पूजने दो? हमको तो मस्जिद में आप पूजने नहीं दोगे। हमारे वहां पे आपने कहा कि शिवलिंग निकला, शिवलिंग मिला, तो क्या राग भोग उनका प्रारंभ हो गया? क्या किसी मुसलमान ने आवाज उठाया कि साईं प्रतिमा गलत हटा रहे हैं अजय शर्मा? क्या किसी मुसलमान ने या साईं भक्त ने कहा कि नहीं वहां पे जो है शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए? वो तो फकीर थे, फकीर की कोई जात ही नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता। एक मिनट, फकीर की जात नहीं होती तो कबीरदास जी भी तो थे, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लीन बनाए और मुर्गे के जैसे अजान करते रहो, वो तो कबीरदास जी भी बोले थे। उनकी पूजा कहाँ होती है? उनके मठ में होती है। रविदास जी की पूजा रविदास मठ में होती है, मेरी फोटो ले लीजिए, मैं भी तो वहाँ जाता हूँ गुरु के रूप में। लेकिन साईं को जो चाहने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में हिंदू तो साईं जहाँ थे, साईं जहाँ थे वो तो शिरडी था ना। लेकिन इसी बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको पूछते हैं, अब वो पूजने कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने तो एक फरमान जारी कर दिया कि किसी मंदिर में साईं की प्रतिमा नहीं। मंदिर बना लो आप, अलग मंदिर बना लो, हम कहाँ रोक रहे हैं? आप अभी बताओ, मूर्ति पहुँचा दे, नई मूर्ति खरीद के पहुँचा दे, पूजो, कितना पूजोगे? लेकिन काशी के जो मंदिर है वहाँ पे, पौराणिक मंदिर में हमारे गणेश जी को साईं आशीर्वाद देंगे? आप बता दो, शिव जी को आशीर्वाद देंगे? किसी मंदिर में पहुंच जाओ, देखो साईं ऐसे कर रहे हैं, ऊपर बैठे हैं देवता के। वाराणसी में अभी वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत हुई है, अब तक कितने मंदिरों से साईं की मंदिर से हमने हटवा दिया? कोई विवाद नहीं है, सब लोग आपस में मिलके स्वेच्छा से, साईं भक्त भी हटवा रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं साईं भक्त कि ये गलत हो रहा था। आगे कितने मंदिरों से हटाने का लक्ष्य? 28 से 30 मंदिर है जो काशी तीर्थ या हमारे पौराणिक मंदिरों में है, उनसे हटेंगे शांति से सब चीज। तीर्थ के तीर्थत्व का विलोप होने से उसके गर्भ से विस्फोट ही निकलता है, तो ऐसा काम कोई जने न करें कि हम लोगों के मन से भी विस्फोट निकले। हम प्रेम से जीने वाले लोग हैं, हमको प्रेम से चलने दीजिए। लेकिन इस अभियान के बाद धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारे चारों गुरु जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनका संदेश है। और चारों शंकराचार्य का एक ही संदेश है, काशी के पौराणिक मंदिरों से चांद मियां और साईं को मुक्त किया जाए। और ये जो इतने वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से टीवी के जरिए आप लोग के पास आए, प्रेत योनि में जो भटक रहे हैं, गंगा में उनका विसर्जन करके हम उनको मुक्ति ही दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन को बांटने की साजिश रची जा रही है साईं के बहाने। उनको सनातन के बारे में जानकारी होती तो कभी साईं के पूजक न होते। बिल्कुल शुक्रिया। तो बातचीत के लिए, तो ये थे अजय शर्मा जी जिनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। काशी के जो प्रमुख स्थल है वहां से साईं की जो प्रतिमाएं हैं वो हटाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे एक अभियान ने जो शक्ल लिया है वो कहीं ना कहीं अब विवाद की स्थिति यहां पर गहराती जा रही है। देखना ये होगा कि उसका पटाक्षेप किस तरीके से होता है।